अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फॉर क्लास सिक्स। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6.4 ऑफ डेसिमल चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू एड, सब्ट्रैक्ट एंड सिंप्लीफाई 1, 2, 3। सो फर्स्ट वी विल डू नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, एड। सो इन दिस वी जस्ट हैव टू एड दीज नंबर्स। ओके, सो आई एम डूइंग नंबर वन, ए 3.a, वी हैव टू एड 3.8, 2.6, 12.04 एंड 9। सो वी विल सिंपली एड दिस। तो फर्स्ट वी विल लाइक 3.8, 2.6, 12.04 एंड 9 वी विल एड। ओके, इफ देयर इज नथिंग देन वी कैन राइट डेसिमल 00। सो नाउ वी विल एड 4, 14, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, प्लस 9 17, 27। सो दिस विल बी आर आंसर। इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू एड। सो लेट्स सी नंबर सी, 0.045, 0.2111, 0.04, 0.005। Now we simply have to add this. So we will write 0.045, 0.211, 0.04, 0.005. So we'll have to add this. Okay. 5 plus 5, 10 plus 1, 11, carry 1. 4 plus 1, 5 plus 1, 6 plus 4, 10, 0, carry 1. 2 plus 1, 3, then decimal and then 0. सिंपली आंसर, बहुत ईजी है ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। और जैसे ऐड किए हम वैसे हम लोगों को सिंप्लीफाई ये भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आई होप ये एक्सरसाइज 6.4 सारा हो जाएगा आप लोगों का। हम एक और बड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, हम आप लोगों का नंबर एच करके दिखा देते हैं। ए और सी हम कर दिए हैं, एच कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, सिर्फ ऐड करना है। तो लेट्स डू नंबर एच, किसी को ऐड करना है 61.66, 0.42, 5.81, 118.21, 12.04। विल सिंपली ऐड करेंगे अब हम लोग 61.66, 0.425। याद रखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है वो डेसिमल के बाद लिखेंगे, और डेसिमल से जो पहले नंबर है वो डेसिमल से पहले लिखेंगे। बस इतना ही करना और ऐड करना है। 81.118.21, 12.04 सिंपली ऐड करेंगे। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 10, 10 20, 21, डेसिमल कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 8, 16, 18, 1, 3, Just have to add this answer. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिर्फ ऐड करना ही डेसिमल में एक्सरसाइज 6.4 का 1 का। सिमिलरली जैसे हम लोग ऐड किए हैं उसी से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे डेसिमल को। तो हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। नंबर 2, नंबर 2 का एम करके दिखा दे रहे हैं हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25.05 फ्रॉम किससे करना है, 93.14 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो 25.05 फ्रॉम 93.14। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है पहले वो लिखेंगे, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में लिखेंगे। तो पहले जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखेंगे 93.14, सब्ट्रैक्ट किसको करना है 25.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 4 तो जाएगा नहीं इससे, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। 14 से 5 जाएगा बचेगा 9, 0 से 0 जाएगा बचेगा 0, 3 से 5 नहीं जाएगा तो हम लोग कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 8, 13, 8, 6। आ गया हम लोगों का आंसर, बहुत इजी से सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को। एक और करके दिखा देते हैं, ए कर दिए हैं हम आप लोगों के लिए, एफ करके दिखा देते हैं हम। वन पॉइंट वन 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 फ्रॉम
11.111. ये है एफ का क्वेश्चन 1.1111 फ्रॉम 11.111. तो हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जिसको करना है, जिससे करना है फ्रॉम, इससे करना, तो पहले हम लोग ये लिखेंगे फ्रॉम के बाद जो लिखते हैं 11.111. इसको करना है, इसे करना, तो 1.1111. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब देखिए ये जो 1 है इसकी जगह में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जीरो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, जीरो है कुछ नहीं है. तो जब जीरो है तब जीरो से तो 1 जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन कैरी लेंगे. ये जीरो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा बचेगा 9. अब ये जीरो है, ये 1 है, फिर कैरी लेना पड़ेगा. ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा 9. अगेन ये जीरो, ये 1, 10 से 1 जाएगा 9. अगेन ये जीरो, ये 1, 10 से 1 जाएगा 9. डेसिमल आ जाएगा. अब ये फिर कैरी लेंगे, 10 से 1 जाएगा तो बचेगा 9. ये हो गया हम लोगों का आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सिंपली सब लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है. अच्छा एक और हम एच करके दिखा देते हैं आप लोगों को. 2H 1000 फ्रॉम 1099.99. तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 1099.99. इसे सब्ट्रैक्ट करना किसे था, 1000 को सब्ट्रैक्ट करना 1. अब कुछ नहीं तो हम लोग जीरो डाल सकते हैं. क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 9 से जीरो बचेगा 9, 9 डेसिमल, 9 से जीरो बचेगा 9, 9 0, 0. तो कितना आ गया मेरा आंसर 99.99. ये हो गया मेरा आंसर. आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा 99.99 आंसर. ये हो गया मेरे आंसर, बहुत ही ईजी आप लोगों को. आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये कर लीजिएगा आप लोग. अब हम सिंप्लीफाई नंबर 3 करके दिखा देते हैं आप लोगों को. सिंप्लीफाई का नंबर ए देखते हैं, 3 का ए. क्या करना है हम लोगों को, बस हम लोगों को सिर्फ हम लोग जैसे हम लोग सिंप्लीफाई में पढ़े थे बॉडमास रूल फॉलो करना है, ऐसे हम लोग बस बॉडमास रूल फॉलो करना है. 41.63 प्लस 20.18 माइनस 33.65. तो बॉडमास आप लोग जानते ही होंगे, बॉडमास में ये बॉडमास है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एड और फिर सब्ट्रैक्ट का. तो सबसे पहले हम लोग इससे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए पहले आ जाता है, हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे. तो हम लोग ऐड किसको किसको करेंगे, 41.63 और 20.18 को ऐड करेंगे. तो हम लोग यहाँ रफ में ऐड करके देख लेंगे 41.63. याद रखिए आप लोगों को ये शो करना है ऐड करके, 20.18 ऐड कर देंगे इसको हम लोग. तो कितना हो जाएगा 61.81 आ गया. अब सब्ट्रैक्ट करना है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग. इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, 33.65 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, ये आप लोग अलग से कर लीजिएगा वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा. तो 33.65 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये कैरी, ये 7 हो जाएगा, कैरी 1 लेंगे, 6 1, ये 5 हो जाएगा, 8 2. कितना आ गया आंसर, 28.16. तो ये हो गया हम लोगों का आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बाकी सारा भी सम्स बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप लोगों को वही रूल फॉलो करना है. पहले ऐड करेंगे बॉडमास में, पहले ऐड होता है फिर सब्ट्रैक्ट होता है. तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे, बी भी सेम है, सी भी सेम है, डी भी सेम है और ई भी सेम है. आप लोगों को बस सिर्फ ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. नंबर डी में देखिए पहले ये होगा सब्ट्रैक्ट है, पहले 85.65 है, इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों. तो कैसे करेंगे ये आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं. यह नंबर 3 का डी क्वेश्चन हम लिख लिए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा हम लोगों का 60.40 आ गया. फिर ये किसको कब सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लोग इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 60.14 किसको माइनस करना है, 12.04 करना है सब्ट्रैक्ट. तो ये 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये जाएगा मेरा 48. तो मेरा आंसर आ जाएगा 48.36. सिंपली बस हम लोग पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए और आंसर आ गया ये मेरा. तो बहुत ही इजी है सारा सम्स, ये 3 का भी आप लोगों को बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. आई होप ये 1, 2, 3 आप लोगों को समझ में आ गया. इतना आप लोग सम्स कर लीजिएगा, ये बस इतना ही. अस्सलाम वालेकुम.